हेलो फूडीज, आज मैं कुक करने वाली हूँ अब तक का इजी एंड फ्लैट एंड बहुत टेस्टी टिक्की बर्गर या टिक्की पाव, जो भी आप बोलना चाहें। सो ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत डिलीशियस लगता है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज सानिया शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज कुकिंग शो। And if you want to see this video in English language, then there is a link in the description box. You can watch it from there. So let's get started. So सबसे पहले हम टिक्की बना लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे बॉइल पोटैटोज़, यानी उबले हुए आलू। फिर उसे अच्छी तरह से मैश्ड कर लेंगे। कोई भी लम्स या कोई भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मैश्ड कर लेना है। एंड अब सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। फिर तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाए तो उसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। जब ज़ीरा हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। फिर उसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब डालना है आधा कप हरी मटर और फिर एक मीडियम साइज का टमाटर। आप चाहें तो हरी मटर स्किप भी कर सकते हैं। सारी सब्जियां अंदर से कुक हो जाए इसके लिए हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। एंड 5 मिनट बाद हम, अभी भी थोड़ा बहुत पानी रह गया है पैन में, इसलिए हम फिर से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर। एंड अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, फ्राई भी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। मसाला डालने से पहले हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पर आप मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब डालना है 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और भून लेना है फिर से सब्जियों को थोड़ा सा। और अब इसमें हम डाल देंगे अपने उबले हुए आलू। अब आलू को भी हल्का सा फ्राई कर लीजिए। एंड अब हमारा मसाला बनकर रेडी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आलू के साथ सभी सब्जियों को एक चम्मच से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी भी दिख रहा है ये। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद अब इसमें से हम थोड़ा सा मसाला लेंगे, हाथ में लेंगे, हल्का सा गोल करेंगे, फिर उसके टिक्की बनाते जाएंगे। एंड हमारी मीडियम साइज़ की टिक्की बन गई है। अब इसे फिर से एक बार फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो फिर उसमें हम अपनी टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। दोनों साइड से हल्का हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर।
सो हमारी टिक्किया भी गरम गरम टेस्टी सी बनकर रेडी हो गई है। फाइनली अब हम अपने बर्गर को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं पाव यानी कि बंस। तो पहले इसे चाकू से हम आधा आधा काट लेंगे बीच में से। तो सॉस में मैंने ली है यहाँ पर टोमेटो सॉस और चिली सॉस। आप चाहें तो यहाँ पर मेयोनीज वगैरह भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों सॉस को लगा लेते हैं पाव के दोनों साइड पर। सॉस लगाने के बाद अब एक टिक्की रखेंगे और फिर उसके बाद हम अपने बंस को बंद कर देंगे। एंड ये हमारा पहला बर्गर बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो बिना फ्राई किए ऐसे भी डायरेक्ट खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ऐसे अब हम सारे बना लेंगे। हमारे सारे बर्गर्स बनकर रेडी हैं, अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें एक पैन लेना है, उसमें एक छोटा चम्मच तेल डालना है। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब उसमें हम अपने बंस को रखेंगे, मतलब बर्गर्स को रखेंगे सॉरी। फिर उन्हें दोनों साइड से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते टाइम हमें ऊपर से उन्हें दबाना है, थोड़ा चिपटा करना है, तो ऐसे वो क्रिस्पी बनते हैं। थोड़े थोड़े बर्गर्स क्रैक हो गए हैं, बंस क्रैक हो गए हैं, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टेस्ट में बहुत टेस्टी रहता है ये। ऐसे हम सारे फ्राई कर लेंगे। सो 10 मिनट में हमारा टेस्टी सा बर्गर बनकर रेडी हो गया है। इसे शाम की चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड क्रिस्पी लगता है। एंड एन्जॉय कीजिए। सो ही गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। आई पोस्ट न्यू वीडियो एवरी वीक। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।